नमस्कार छात्रों, पिछली बार हमने हिंदी व्याकरण में वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग और वाक्य के रचना के आधार पर भेद सीखे। छात्रों, रचना के आधार पर तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ये हमने पिछली बार सीखे। आज हम वाक्य के अर्थ के आधार पर होने वाले भेद कौन से हैं वो देखेंगे। छात्रों, अर्थ के अनुसार वाक्यों के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक और संकेतवाचक वाक्य। अब हम अर्थ के अनुसार वाक्य का पहला प्रकार देखेंगे, विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात या कार्य के होने या करने का सामान्य कथन हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इस तरह के वाक्यों में कोई सीधा साधा विधान होता है जो सरल ढंग से किया जाता है। ऐसे वाक्यों में कभी न, नहीं, मत इस तरह के निषेध दिखाने वाले शब्द नहीं होते। उदाहरण देखिए, अक्षत विद्यालय जा रहा है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। ये दोनों वाक्य एक सामान्य कथन है और इनमें न, नहीं, मत इन जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं है, इसीलिए इन्हें विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। अगला भेद है निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात या कार्य के न होने या न करने का बोध हो, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में न, नहीं, मत इन जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसमें निषेध दिखाया जाता है। उदाहरण देखिए, धूप में मत घूमो, हम पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं। इन वाक्यों में मत और नहीं ये शब्द आए हैं और वे क्रिया का न होना दिखाते हैं, इसलिए इन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। छात्रों, वाक्य का अगला प्रकार है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी को आज्ञा दी जाए या अनुमति दी जाए, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इसी के साथ अगर वाक्य में कोई विनती की गई हो तो उसे भी आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे, आप अंदर बैठ जाइए, ये एक विनती है। और दूसरा उदाहरण है, छतरी भी रख लेना, यहाँ पर अनुमति दी गई है, इसीलिए ये दोनों वाक्य आज्ञावाचक वाक्य है। वाक्य का अगला प्रकार है संदेहवाचक वाक्य। मतलब जिस वाक्य में कुछ होने की संभावना हो या संदेह हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों को संभावनार्थक वाक्य भी कहा जाता है। ऐसे वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध होता है। जैसे, लगता है आज बारिश होगी, वे घर पहुंच गए होंगे। इन दोनों वाक्यों में कोई संभावना प्रकट की गई है, इसलिए ये संभावनार्थक वाक्य या संदेहवाचक वाक्य है। वाक्य का अगला प्रकार हम देखेंगे छात्रों, वो है विस्मयादिबोधक वाक्य। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा, आश्चर्य आदि के भाव प्रकट हो, उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। मतलब इन वाक्यों द्वारा भावनाएं प्रकट होती है। जैसे, वाह क्या सुंदर मूर्ति है, इस वाक्य में हर्ष की भावना प्रकट की गई है। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा भाषण दिया, इस वाक्य में प्रशंसा की गई है। इस तरह से इन वाक्यों में भावनाएं प्रकट होती है। ऐसे वाक्यों के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। छात्रों, वाक्य का अगला प्रकार है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने का संकेत देता है।
जैसे यदि बांध न टूटता तो बाढ़ नहीं आती। दूसरा उदाहरण है, यदि बिजली आई तो रोशनी होगी। इस तरह से संकेतवाचक वाक्य में एक क्रिया दूसरे क्रिया के होने का संकेत देती है। इन वाक्यों में यदि इस शब्द का प्रयोग होता है। छात्रों, हमने अर्थ के अनुसार वाक्य के प्रकार देखे। अब हम देखेंगे एक ही वाक्य इन सारे अर्थ के अनुसार के भेदों में किस तरह से हम लिख सकते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, वह जाता है। यही वाक्य हम निषेधवाचक में लिख सकते हैं, वह नहीं जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य होगा, क्या वह जाता है। विस्मयादिबोधक वाक्य, अरे वह जाता है। आज्ञावाचक वाक्य में कहा जाएगा, वह जाए। और इच्छावाचक वाक्य में ईश्वर करे वह जाए, इस तरह से इच्छा प्रकट की जाएगी। संदेहवाचक वाक्य में वह जाता होगा, ये संभावना प्रकट हो जाएगी। और अंत का संकेतवाचक वाक्य में यदि वह जाए तो मैं पढ़ूँ, इस तरह से एक क्रिया दूसरे क्रिया पर आधारित या संकेत दिखाने वाली होती है। इस तरह से हमने छात्रों देखा कि एक ही क्रिया का वाक्य हम इन 8 प्रकारों में किस तरह से लिख सकते हैं। छात्रों, आज हमने देखा अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार, जो है विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक और संकेतवाचक। धन्यवाद।